चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे टी ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर टू के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज पर डिस्कशन किया था। आज हम तीन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये तीनों टॉपिक आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, तो आज मैं उसी चीज़ों को एक बार आप रिवाइज करा देते हैं कि चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए, और 11th की आप लोग नोट्स उठा लीजिए और उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पी पार्क में 11th की जो चीज़ें पढ़ाई गई है वो बार बार चीज़ें पूछी जाएंगी। तो एक बार आप पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, पीरियडिक टेबल वाला जो चैप्टर है, एक बार आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए और फजांस रूल देख लीजिए, लैटिस एनर्जी वगैरह देख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आए। क्योंकि आज जो लेक्चर है इसमें आप मुझे डिटेल में नहीं बताएंगे, 11th में काफ़ी डिटेल चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो बस उसी चीज़ों के लेके हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। पहला बात करने बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट से। आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे होता क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसे क्या बोलेंगे? 2, 5। तो ये आपके दो सेल होंगे, पहला सेल होगा ये दूसरा सेल, पहला सेल होगा ये आपका दूसरा सेल होगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की, बात करें इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका क्या लिखेंगे? 2, 8, 5। यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और इसमें कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात को समझेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसो फ्रॉम आउटर मोस्ट से, लेकिन क्या होती है? गैसेस है, ये आपका न्यूक्लियस होता है और आउटर से लिए आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अट्रैक्शन होगा और इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे क्या बोलता है? आयनाइजेशन। एक इस पर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस पे, तीन चीज पर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड डिस्टेंस और थर्ड जो होगा हमारा स्टेबिलिटी, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब इनके बीच जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, एक आम कुलाम सुभाई पड़ा है Q1 Q2 / R, चार्ज जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आर के इनवर्स होगा। चलिए, यहाँ पर जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स जो आपका एटम या एलिमेंट्स जो आयंस दिए गए हैं उसकी साइज जितनी छोटी होगी, साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस और आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस उतना कम होगा, मींस अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने सेल थे? 2 सेल थे, यहाँ पर सेल कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पर ए डिस्टेंस हुआ और यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ा, न्यूक्लियस आउटर से इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस बढ़ा, इनके बीच का अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो अट्रैक्शन कम होगा तो इस आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइज के बढ़ने पे, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस देख रहे हैं, यहाँ पे 2 सेल होंगे, यहाँ पे 3 सेल, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज के इंक्रीज होने पे क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे साइज स्मॉल है, अट्रैक्शन ज्यादा हो तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे साइज क्या है लार्ज हो गया तो यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है
कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस और आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कम होगा, तो आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कहा जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, अगर कहा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा किसके आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन को होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इसमें बात करें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, तो समझ आ किसका फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के मतलब साइज बढ़ेगी, मीन्स न्यूक्लियस और आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ऊपर से नीचे आने पर आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, चलिए इसको नोट करिए आप लोग। आ जाइए अगले टॉपिक पे। सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं आपका आयनाइजेशन एनर्जी में छूट क्लियर हो गया है। अब हम जैसे यहां पे हम बात करने जा रहे हैं लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इसको नोट कर लीजिए, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ज़ीनॉन, आर्गन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एल्युमिनियम, गैलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना टेबल बना दिए। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्या होगी, कम होगी, समझ में आपको आ रहा होगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। याद करिए होता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों साइज डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस आएगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज कम हो रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पॉइंट सुनो, सब कुछ सही है, लिथियम ज्यादा बेरिलियम होगा, बेरिलियम ज्यादा बोरान होगा, बोरान से ज्यादा कार्बन होगा, कार्बन की बात करें तो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली की बात करें बच्चों, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, मीन्स फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि साइड डिक्रीज होगा तो इफेक्टिव क्यों डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मीन्स आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मीन्स आयनाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, मीन्स
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, भी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर का ज्यादा होता है। अब रीजन क्या है वो समझने की कोशिश करना बच्चों, क्लियर है? मींस लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन होता है। ये होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का लिखने का तरीका। अब समझना बच्चों, तो ऐसा क्या होता है ध्यान सुनना बच्चों, अगर हम बात करें तो आपको पता है फुल फील्ड या हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फुल फील्ड या पार्शियली हाफ फील्ड। यदि हाफ फील्ड या पार्शियली फुल फील्ड है, सॉरी हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में? पार्शियली हाफ फील्ड या पार्शियली फुल। आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सुनना, आयनाइजेशन मतलब क्या? नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया Na+, इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितने बचे? 6। फिर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया, इसे बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ क्या लिखेंगे? Na, सॉरी नाइट्रोजन 2+ साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नोट करिए, ऑक्सीजन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पर बचेगा 1e, इसे बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया इसे बोला Au2, यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन 2+ और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसे बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया क्या बोलेंगे Na2+, इसे बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एक लॉस लूज करेंगे बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसे बोला गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब फिर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया तो क्या बोला गया? सेकेंड। अभी Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया कितने बचे? 6। पास में मारी। चलिए अब एक आप पूछा जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, आगे लिख देता है वाई, क्या क्यों? तो सुनना बच्चों, तो नाइट्रोजन का सुनना, तो नाइट्रोजन को पहले सुनना, नाइट्रोजन की बात करें तो 7, पहले बच्चों उसको नोट कर लीजिए। आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन बट सेकंड ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के टाइम नंबर होता है 7। देखिए किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ऑक्सीजन की बात करें ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, कितने ऑर्बिटल होंगे? P3, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ी है 1, 2, 3, ऑक्सीजन बढ़ी है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपका ऑर्बिटल दिया गया, 3 ऑर्बिटल दिए गए और तीनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली क्या है? हाफ फील्ड है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, ये क्या बोलेंगे? फुल फील्ड है नहीं, इसे क्या बोलेंगे? पार्शियली फुल फील्ड। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? पार्शियली फुल फील्ड, इसे क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। और आपको पता है हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फुल फील्ड। मीन्स नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन P3 हाफ फील्ड है हमारा, क्या पार्शियली फुल फील्ड। यदि स्टेबल है तो यहां से P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, किसके कंपैरिजन में? P4 से, क्योंकि हमारा लेस स्टेबल है ये मोर स्टेबल। यदि कोई आदमी स्टेबल है तो वहां से आप किसी चीज को स्टेबल से कोई भी चीज निकालना आसान नहीं है। तो यहां पर क्या नाइट्रोजन हमारा क्या फुल फील्ड होता है, सॉरी हाफ फील्ड है,
कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, ये पार्शियली फुल फिल्ड। इस वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो फर्स्ट नाइट्रोजन ज्यादा क्यों होता समझ में आ गया होगा। तो अब पूछा जाता है सेकेंड जो होता है ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, क्यों? नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना? 6। ऑक्सीजन के पास क्या गया? 7। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2, यही होगा ना, 1s2 2s2 2p2। मतलब p में कितने ऑर्बिटल? 3। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीजन के पास 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 7 आ गया, 8 थे 7 आ गया, इससे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। मतलब कैसा कंडीशन है? हाफ फिल्ड। अब ये हाफ फिल्ड हो गया, ये p3 हो गया, ये p2 हो गया। भाई p2 है p3, ये हमारा कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, ये पार्शियली हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंप्लीशन? पार्शियली हाफ फिल्ड। मींस यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा किसके कंप्लीशन पे? Na+ से। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन ज्यादा होगा किससे? नाइट्रोजन से। यही आपके एग्जाम पूछा जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन जो होता है नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, लेकिन सेकंड आपका ऑक्सीजन ज्यादा होता है, क्यों? ये आपका रीजन है। चलिए बच्चों समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, चलिए इसको मिटा दें। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या बताया था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। मीन्स यहाँ पे क्या था? आइसोलेटेड गैसेस एटम से, मतलब बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप क्या करेंगे? आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है बच्चों, इसके बाहर क्या है? सेल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, समझना बच्चों। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे क्या होती है? रिलीज होती है। मीन ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे? आउटर सेल। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही? अब अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब ये बताइए, यदि कोई स्टेबल है, कोई भी एटम या एलिमेंट या आयन यदि स्टेबल के फॉर्म में दिए गए हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं चाहेंगे, क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी क्या बच्चों? स्टेबल है। तो जो भी एटम या एलिमेंट या आयन्स जो होते हैं स्टेबल फॉर्म में होते हैं, मींस P6 या P3 के फॉर्म में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लिए तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल की तरफ जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होती है। बात समझ से, फ्लोरीन हाइलोजन से वो P5 है, P5 होता है, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो P6 बन जाएगा, अगर P6 बन गया तो स्टेबल हो गया। जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल की तरफ जाता है उस केस में उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन जो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि जो नोबल गैस होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
दूरी जो होती है वो अप्रोक्सीमेट जीरो होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले कंसेप्ट पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। नॉर्मली बताया जाता है बच्चों कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। चलिए थोड़ा कंसेप्ट समझना। जैसे आपको दिया गया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये आपका कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझने की कोशिश करना। ये क्या होगा, नियॉन की बात करेंगे बच्चों, इसका आएगा पी सिक्स आएगा। फ्लोरीन की बात करेंगे पी फाइव आएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे पी फोर आएगा। नाइट्रोजन की बात करेंगे पी थ्री आएगा। कार्बन की बात करेंगे पी टू आएगा। इसके बारे में बात करेंगे पी वन आएगा। हम ठीक पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, यही पर डिस्कशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ये है इसमें ऐड करना आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। पी सिक्स हमारा क्या स्टेबल फॉर्म में है और पी थ्री भी हमारा क्या स्टेबल फॉर्म में है। आपको पता है कि यहाँ पे पी सिक्स जो होगा वो हमारा क्या है, स्टेबल फॉर्म में दिया गया है। ये हमारा ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। अगर पी थ्री की बात करें तो पी थ्री भी हमारा किसमें है, स्टेबल फॉर्म में दिया गया है। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, यदि हमारा नियॉन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, ये दोनों हमारे किसमें है, स्टेबल फॉर्म में है। यदि स्टेबल फॉर्म में है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं। मीन्स यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे हमारी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इस केस में नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। यदि आप पी थ्री में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी फोर बन जाएगा। और पी फोर हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होता है। तो कोई भी एटम हमारा अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। बात करें यहाँ पी सिक्स की बात करें तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑलरेडी सारे हमारे ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, अप्रोक्सीमेट जीरो होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीरीज के बारे में तो सबसे कम किसका होगा बच्चों, पी सिक्स का होगा। पी सिक्स के बाद आपका पी थ्री होगा, पी थ्री के बाद आपका पी वन, पी वन के बाद आपका पी टू, पी टू के बाद पी फोर, पी फोर के बाद आपका पी फाइव होगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, नोबल गैस का होगा। नोबल गैस के बाद नाइट्रोजन फैमिली का होगा, फिर बोरान फैमिली, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर आप इन दोनों को यहाँ हटा दीजिए, ऑक्सीजन फैमिली और नियॉन फैमिली को आप रिमूव कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो आप देखेंगे बोरान से ज़्यादा कार्बन का है, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन से ज़्यादा आपका नियॉन सॉरी फ्लोरीन का है। आज में आ रही तो चलिए बच्चों इसको नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे सबसे कम किसका होगा, नियॉन का। नियॉन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात की है, यहाँ पर पी फाइव ऑक्सीजन, पी फोर कार्बन आपका क्या, और पी टू होगा। बोरान आपका पी वन होगा। नाइट्रोजन क्या होगा, पी थ्री होगा। और नियॉन क्या होगा, यहाँ पे पी सिक्स होगा। आज समझदार कभी आपसे पूछा जाए कि
कि नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिटी अप्रॉक्सीमेट जीरो होती है। अब रीजन क्या बताएंगे, यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स है, ये हमारा क्या फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है मीन्स स्टेबल होगा, यदि स्टेबल के फॉर्म में है तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। आज समझ में आ रही, चलिए इसको नोट करिए। तो पीरियड में आपको समझ में आ गया है कि लेफ्ट राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इंक्रीज होती है, लेकिन सबसे कम नियॉन होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरान, फिर ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन है, क्लोरीन। चलिए हम बात करते हैं ग्रुप में, ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए यदि हम ग्रुप में बात करें तो पहला एग्जाम्पल जैसे यहां पर ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यदि हम ग्रुप में बात करें क्लोरीन हमारा किस ग्रुप का होगा, ये हमारा सेकंड ग्रुप का होगा। क्लोरीन हमारा किस पीरियड का होगा, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये आपका सेकंड पीरियड होगा, ये आपका फोर्थ पीरियड होगा, और ये हमारा किस कौन सा पीरियड होगा, फिफ्थ पीरियड होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि साइज क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती है। बात समझ में आ रही, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सेकंड से ज्यादा होती है, तो यहां से होना क्या चाहिए, क्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, ये आपका होना चाहिए एग्जैक्ट ऑर्डर, लेकिन आपका ऐसा नहीं होता है। पूछा जाता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो वो फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, इसका सही ऑर्डर क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। इसका रीजन क्या है, उस रीजन को आप समझिए, जो थर्ड पीरियड क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है। चलिए पहले इसको नोट करिए फिर हम आपको रीजन बता रहे हैं। चलिए आ जाइए, आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चार ग्रुप क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन ही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। बात समझ में आ रही है, मीन्स आप क्या करिए, आउटर वैलेंस सेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है क्या हो रही है, एनर्जी यहाँ से हमारी रिलीज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, मीन्स इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो जो आपका डेल्टा एच आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या आएगा, नेगेटिव आता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की क्या पड़ती है, एड पड़ती है। बात समझ में आ रही, अब पूछा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन से ज़्यादा क्यों है, इसका मेन रीजन है, पहला रीजन लिखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन एटम। क्या रीजन है, यहाँ पे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द क्लोरीन एटम, मीन्स जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन की बात करें, आपका क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यहाँ पे क्लोरीन में क्या लिखेंगे 2 and 7, और क्लोरीन क्या लिखेंगे 2, 8 and 7 लिखते हैं, क्लोरीन क्या बोलेंगे 2, 7, यहाँ पर 2, 8, 7 होगा, यहाँ पे कितने सेल हैं 2, यहाँ कितने सेल हैं 3 सेल। अगर सेल छोटा है
जो इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होगा वहां पे क्या होता है, वहां पर रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है बच्चों? रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट आप नोट करिए, सेकंड पॉइंट नोट करिए, इट हैज, पहला आपने क्या लिखा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। सेकंड लिखिए, इट हैज वेरी हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2p होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 3p होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? चलिए आ जाइए अगले पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन वैल्यू पे हम बात कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ईएन वैल्यू क्या है, इसकी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ईएन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे यहाँ पे दो एटम है ए और बी, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए थे, एक आ गया ईएन वैल्यू ए ग्रेटर देन बी, एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ए और बी ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, बॉन्ड बन रहा है। कहा गया एक ईएन वैल्यू बी से ज्यादा है, तो एक आ गया कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा? एक की तरफ। मीन टेंडेंसी क्या हो रही है, किधर अट्रैक्ट होने की? एक की तरफ हो रही है। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने 11th वाले नोट्स में देखिएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेफ्ट राइट जाने की ईएन वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। मीन्स बोरान के बाद कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और ऊपर से नीचे आने की ईएन वैल्यू क्या होती है? कम होती है। मीन्स अगर फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर आपका ब्रोमीन के बाद क्या होगा? आपका आयोडीन होगा। तीसरा बात करें ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एल्यूमियम है। ये था बच्चों आपका बेसिक चीज़ें जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं, और एक बार मैंने सारी चीज़ों को रिवाइज करा दिया है। और अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के फिजिकल केमिकल, हैलोजन्स के फिजिकल केमिकल और नोबल गैस। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पी ब्लॉक को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, लेकिन इसके पहले आप लोग पीरियडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज 11th की और केमिकल बॉन्डिंग आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना हो। जो टॉपिक मैं डिटेल में बता चुका हूँ उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको चीज़ों को बस रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, अगले क्लास में मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, आज इतना ही। थैंक यू।